चार्टर ऑन द सो लुक इनटू योर बुक एवरीवन ओके कम टू दिस पेज एवरीवन डू यू नो नेम्स ऑफ एनी प्रिंस और प्रिंसेस व्हिच प्लेस और कंट्री आर दे फ्रॉम आप लोगों को पता है किसी राजा रानियों का नाम है ना बहुत सारे राजा हुए बहुत सारे रानियां हुए पिछले हम बहुत सदी पहले है ना बहुत सारे रहते थे जो राजा रानी रहते थे सपोज शाहजहां मुमताज महल ये सब राजा रानी हुए है ना सब रहते थे सो प्रिंस एंड प्रिंसेस की स्टोरी है हम लोग इसको रीड करेंगे ओके जस्ट लुक इट लुक इनटू योर बुक एवरीवन वंस देयर वाज अ प्रिंस हु वांटेड टू मैरी अ प्रिंसेस एक बारी की बात है एक राजा था जिसको एक रानी से शादी करनी थी ठीक है एक राजकुमार था जिसको एक राजकुमारी से शादी करनी थी ओके देयर वाज वन एंड वन प्रिंसेस हु वांट टू मैरी मैरी मतलब शादी करना मैरी मतलब क्या होता है शादी करना एक राजकुमारी से वो शादी करना चाहता था He wanted only a real one, so he traveled across the whole world. अब उसको real he wanted, wanted मतलब उसको चाहिए था real, real मतलब real मतलब जो मतलब person अच्छा हो, साफ हो, वैसा person उसको चाहिए था, वैसी अपनी wife चाहता था, वैसी princess चाहता था. So उसने क्या किया? वो travel किया. Travel मतलब इधर उधर घूमता था. ताकि उसको उसकी जैसी राजकुमारी मिले जैसा वो चाहता है वैसे उसको एक राजकुमारी मिले बट हाउ वुड द प्रिंस फाइंड आउट द रियल प्रिंसेस पर कैसे कैसे उसको पता लगेगा कि ये रियल प्रिंसेस है इसी से मुझे शादी करनी चाहिए यही मेरी रियल प्रिंसेस है ये कैसे पता चलेगा प्रिंस को देयर वॉज समथिंग और द अदर रॉन्ग विद ईच प्रिंसेस ही फाउंड ठीक है देयर वॉज समथिंग समथिंग मतलब कुछ ना कुछ है ना समथिंग का मतलब होता है कुछ ना कुछ और द अदर रॉन्ग रॉन्ग मतलब गलत विद ईच प्रिंसेस दैट ही फाउंड जो जो प्रिंसेस वो ढूंढता था फाउंड मतलब ढूंढना फाउंड का मतलब होता है ढूंढना और जो जो प्रिंसेस वो ढूंढता था जो जो उसको मिलती थी सभी गलत रहती थी किसी किसी केस में वो गलत होती थी है ना द प्रिंस वॉज वेरी अनहैप्पी सो ही केम होम वंस अगेन प्रिंस जो राजकुमार था वॉज वेरी वेरी मतलब बहुत अनहैप्पी मतलब जो खुश नहीं हो अनहैप्पी हैप्पी मतलब खुश होना अनहैप्पी मतलब जो खुश नहीं हो तो वो बहुत ज्यादा ही खुश नहीं था सो ही केम टू द होम होम मतलब घर अगेन अगेन मतलब दोबारा तो वो दोबारा घर आ गया वन इवनिंग इट वॉज रेनिंग हैवीली देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग टू एक बारी की बात है एक शाम इवनिंग मतलब क्या होता है शाम होता है ना इवनिंग इज शाम इट वॉज रेनिंग रेनिंग मतलब बारिश हैवली मतलब बहुत तेज तो एक शाम की बात है बहुत तेजी से बारिश हो रही थी देयर वॉज थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग टू थंडर स्टॉर्म मतलब गरज रहा था और बिजली चमक रही थी लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना और थंडर स्टॉर्म मतलब गरजना बहुत तेज से गरजना तो एक शाम की बात है बहुत तेजी से बारिश हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थी सडनली समवन नॉक्ड ऑन द डोर द ओल्ड किंग वेंट टू ओपन इट सडनली मतलब अचानक से सडनली मींस अचानक से समवन मतलब कोई होगा जिसको हमें नहीं पता हमने नहीं देखा कोई होगा नॉक्ड नॉक्ड का मतलब डोर खटखटाना कोई आता है तो डोर खटखट करता है ना आपके घर में भी कोई आता तो डोर या डोर बेल बजाता है सेम वे कोई किंग के दरवाजे पे आया तो उसने डोर खटखटाया नॉक्ड मतलब खटखटाना ऑन द डोर डोर मतलब दरवाजा द ओल्ड किंग वेंट टू ओपन इट ओल्ड किंग मतलब एक पुराना राजा था उसी राजकुमार के पैलेस में तो वो गया और दरवाजा खोल दिया अ प्रिंसेस स्टूड आउटसाइड शी वाज अ ब्यूटीफुल साइट एक प्रिंसेस एक राजकुमारी बाहर दरवाजे के खड़ी थी है ना वो बहुत ही सुंदर लग रही थी मतलब साइट मतलब साइड मतलब एक बारी में देखना एक बारी में देखने पे ही वो बहुत सुंदर लग रही थी बहुत सुंदर सी थी इन ऑल दैट रेन एंड विंड वो जो बारिश रेन हो रहा था बारिश विंड मतलब जो हवा चल रही थी वो सारे जो रेन और बारिश हो रहा था उसमें वो खड़ी थी वॉटर ड्रिप्ड फ्रॉम हर हेयर डाउन हर क्लोथ्स एंड इनटू हर शूज
वॉटर पानी, ड्रिप्ट मतलब गिरना है ना, भी आप भीग जाते हो तो पानी ऐसे बहता रहता ना आपके ऊपर से, वैसे ही प्रिंसेस के ऊपर से भी पानी एक एक करके गिर रहा था। हेयर डाउन, हेयर से क्लोथ्स पे जा रहा था और क्लोथ्स से शूज पे जा रहा था। शूज मतलब आप जो पैर में पहनते हो, आपके जूते या फिर आपके चप्पल जो भी होते हैं, शूज मतलब जूता होता है, क्लोथ्स मतलब कपड़े, वो तो पता होगा सभी को है ना। द ओल्ड किंग आस्क्ड हु आर, जो उनके राजकुमार के घर पे किंग थे, पुराने बूढ़े, ओल्ड मतलब बूढ़े पुराने किंग जो थे, उन्होंने पूछा तुम कौन हो, हु आर यू। शी सेड आई एम द रियल प्रिंसेस, उसने बोला, शी सेड मतलब वो जो प्रिंस थी, उन्होंने बोला आई एम अ रियल प्रिंसेस, मतलब मैं एक सही की राजकुमारी हूँ। We will soon find that out, the old queen said. अब उस किंग के साथ क्वीन भी आई थी, जो पुरानी क्वीन भी थी वो भी आई थी, उन्होंने कहा कि ये हम देख लेंगे कि आप रियल प्रिंसेस हो कि नहीं है ना। सो ये पहले केस में यही था कि एक प्रिंस राजकुमार था, उसको एक राजकुमारी से शादी करनी थी, इसलिए वो जगह जगह घूमता रहता था, पर उसको कोई रियल वाली नहीं मिली। जब भी वो ढूंढने जाता तो कुछ ना कुछ उसको गलत ही मिलता, उस दूसरी जिस भी राजकुमारी को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते वो थक गया और वो घर वापस आ गया। एक शाम की बात है, जब बहुत देर से बारिश हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थी, गर्जना हो रहा था, कोई आके दरवाजे पे नॉक करता है प्रिंस के, तो ओल्ड किंग जाता है, दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने पर उसे दिखते हैं कि एक प्रिंसेस खड़ी रहती, राजकुमारी खड़ी रहती थी, वो बहुत सुंदर होती है, वो बारिश की वजह से भीग चुकी होती है और पानी उसके सर से, फिर क्लोथ से, फिर शूज तक जा रहा होता है, गिर रहा होता है। फिर प्रिंस ओल्ड किंग उससे पूछता है तुम, तब उसका जवाब आता है कि मैं एक रियल प्रिंसेस हूँ। तब क्वीन कहती है कि वो चीज तो हम देख लेंगे कि आप रियल प्रिंस हो कि नहीं, प्रिंसेस हो कि नहीं। Come to the next page, page 65. The queen went to the bed chamber and removed all the bed sheet and mattress. ठीक है, अब क्वीन कहाँ गई, जहाँ पे गेस्ट रूम होता है, बेड चैम्बर, बेडरूम होता है, बेड चैम्बर मतलब बेडरूम होता है। एंड रिमूव्ड, रिमूव्ड मतलब हटाना, ऑल द बेडशीट, बेडशीट मतलब जो बेड पे आप शीट्स चादरें बिछाते हो ना सोने से पहले, उसको बेडशीट कहते हैं। एंड मैट्रेसेस, मैट्रेसेस मतलब वो गद्दे जो होते हैं ना, जो आपके चादर के नीचे होते हैं गद्दे, उन्हें मैट्रेसेस कहा जाता है। तो जो क्वीन है वो गई और सारे गद्दे हटा दिए, सारे बेडशीट हटा दी उस बेडरूम से, उस पलंग से सब कुछ हटा दिया। She put just one pea at the bottom of the bed. Then she took 20 mattresses and piled them. Then she took 20 mattresses and piled them upon on the bed. अब उन्होंने क्या किया? एक पी मतलब एक मोती का जो दाना मोती होता है, उसको लिया और उसको बेड के नीचे डाल दिया और सारी 20 mattresses देखो आप पिक्चर पे, देखो 20 mattresses है, देखो पिक्चर पे कैसे कितनी सारी mattresses है ना, 20 mattresses को एक के ऊपर लगा दिया। The princess would sleep on the top of all these to spend dry. अब princess, वो जो राजकुमारी थी, उसको ये 20 mattresses के ऊपर ही सोना था, वो नीचे नहीं सो सकती थी क्योंकि वो भींगी हुई थी, गीली थी और ठंडा भी रह जाता है ना जब बारिश होती है, तो she has to sleep on that. उसको उस 20 mattresses पे सोना था। In the morning they asked the princess, did you sleep well? अब जब सुबह हुई तो ये जो पिक्चर में देखो, एक ओल्ड बूढ़ी सी एक औरत है जो नीचे खड़ी है, जो क्वीन है, और प्रिंसेस ऊपर बैठी हुई है ना, तो इन्होंने ही पूछा, वो जो ओल्ड क्वीन थी, उन्होंने पूछा कि तुमको रात में अच्छे से नींद आई, स्लीप सोना वेल अच्छे से है ना प्रिंसेस से। मॉर्निंग मतलब सुबह, आस्क्ड मतलब पूछना, तो इन द मॉर्निंग दे आस्क्ड, मॉर्निंग जैसे ही सुबह हुई उन्होंने पूछा कि आपने अच्छे से सोया कि नहीं सोया। Oh, said the princess, I scarcely, I lay on something so that my body aches. It was simply terrible. मतलब, princess ने जवाब दिया, I scarcely, scarcely मतलब हम almost not, मतलब मैं उतने अच्छे से सो नहीं पाई, almost not. I lay मतलब सोना, on something so hard, something मतलब कुछ था जो बहुत hard था, मतलब बहुत tough था, बहुत rough था, that my body aches, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत दर्द है, एक का मतलब दर्द होना, it was simple.
एब्सोल्युटली टेरिबल, टेरिबल मतलब वेरी बैड, इट वॉज वेरी बैड. कम टू द नेक्स्ट पेज. They knew that she was a real princess as she had felt one piece through the 20 mattresses. ठीक है, वो real princess थी क्योंकि एक जो मोती था वो 20 mattresses के नीचे डाला हुआ था, फिर भी उसको सोने में बहुत तकलीफ हुई. इस वजह से उन लोग जान गए कि ये बहुत, ये real princess है, क्योंकि only a princess could be so delicate. Delicate मतलब जेंटल एंड ईजी, जल्दी मतलब बहुत ईजी होना, बहुत मतलब छुई मुई टाइप का होना कि कुछ भी लग जाए तो अपन रोने लगे, वैसे टाइप की. सो प्रिंस गॉट हिज रियल प्रिंसेस एंड दे मैरिड सून, मतलब वो दोनों की शादी हो गई जो घर पे आई थी. सो दिस वॉज द स्टोरी, दिस इज हाउ राजकुमार ने अपनी राजकुमारी ढूंढ ली. ओके, नाउ टेक आउट योर पेंसिल एंड रबर एवरी वन, टेक आउट योर पेंसिल एंड रबर. फर्स्ट क्वेश्चन है, सी द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज क्वीन वेंट इनटू द राइट हियर एवरीवन बेड चैम्बर, बीईडी राइट हियर एवरीवन, बीईडी सी एच ए एन बीई आर बेड चैम्बर. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज बेड चैम्बर, बीईडी C H A M B E R bed chamber. One evening it was raining, R A I N I N G raining heavily. One evening it was raining, R A I N G raining heavily. Third one, the queen put the pea at the bottom of the bed, bottom B O B O double T O M. Third one is bottom. B O double T O M. Bottom of the bed. The prince dashed around the world. The prince traveled. T R A V E double L E D traveled. T R A V E double L E D traveled. Fourth one. Last one. The princess was a beautiful at the side, beautiful, B-E-A-U-T-I-F-U-L, beautiful. First one is queen went to the bed chamber, B-E-D-C-H-A-M-B-E-R, bed chamber. One evening it was raining heavily, R-A-I-N-I-N-G, raining heavily. The queen put the pea at the bottom of the bed. The prince traveled around the world and the princess was a beautiful sight. Write it everyone. Written everyone. I hope that is done. Fill in the blanks. अभी ने लिख लिया होगा. Come to the page number 67. Come to page number 67 now. Everyone, come to page number 67. I hope everybody have written it. Come to page number 67. Here.
look at the pictures and choose the names of the vegetable or fruit from these words. आपको picture दी हुई है, आपको fruits या vegetable के नाम लिखने हैं, ठीक है? The first one is carrot. Write there carrot. C A C A double R O T carrot. Carrot C A double R O T carrot. First picture is carrot means gajar. पहली पिक्चर है कैरेट टी मींस गाजर. राइट देयर कैरेट सी ए डबल आर ओ टी कैरेट. सेकंड पिक्चर इज ऑफ ग्रेप्स जी आर ए पी ई एस ए डबल आर ओ टी जी आर ए पी ई एस. थर्ड पिक्चर इज ऑफ कैबेज सी ए डबल बी ए जी कैबेज सी ए डबल बी ए जी कैबेज. फोर्थ वन इज मैंगो एम ए एम ए एन जी ओ मैंगो एम ए एन जी ओ मैंगो एम ए एन जी ओ मैंगो. First one is carrot, C A double R O T carrot. Second one is grapes, G R A P E S grapes. Third one is cabbage, C A double B A G E cabbage. And fourth one is mango, M A N G O mango. मैम वो नीचे कर दीजिए, मैं नहीं लिख पाया. विच क्वेश्चन यू हैव नॉट रिटन? कौन सा वाला नहीं लिख पाया हो? फिजिक्स. कौन सा? ओनली फाइव फिल इन द ब्लैंक्स आर देयर. पांच फिल इन द ब्लैंक्स है, उनमें से कौन सा नहीं लिखा है तुमने? क्वेश्चन कौन सा? इन द In the blanks. हाँ, fill in the blanks. The which question you have not written? Fourth number. Fourth number. Travel right there. T R A. Right? T R A. Right? T R A. A U U
यस डन डन हो गया यस मैम 68 देन कम टू पेज नंबर 68 एवरीवन सर्किल द ऑड वर्ड्स इन ईच सेट यू हैव टू सर्किल द ऑड वन इन ईच सेट नाउ मैंगो पियर पोटैटो एप्पल सर्किल पोटैटो एवरीवन सर्किल पोटैटो एवरीवन पेज नंबर 68 पहला वाला पोटैटो को सर्किल करो सभी लोग सेकेंड वन लायन ज़ेब्रा जिराफ एंड ईगल सर्किल ईगल एवरीवन ईगल सेकेंड में फोर्थ वाला ईगल ईगल जो है उसको सर्किल करना है थर्ड वन शर्ट पैंट शूज स्कर्ट सर्किल पेन एवरीवन पेन को सभी लोग सर्किल करो थर्ड में पेन को लास्ट वन फोर्थ वन यू हैव टू सर्किल फॉरेस्ट फोर्थ में सेकेंड वाले को सर्किल करना है फॉरेस्ट सर्किल इट एवरीवन फोर्थ वाला सर्किल करो फॉरेस्ट फोर्थ वाले में सेकेंड वाला सर्किल करो सभी लोग नाउ कम हियर ग्रामर गाइड फर्स्ट वन आई सॉ अ स्मॉल येलो हाउस टिक ऑन स्मॉल येलो हाउस टिक ऑन स्मॉल येलो हाउस टिक ऑन दिस माई मदर कीप्स माई टॉयज इन अ स्क्वायर ब्लू बॉक्स टिक ऑन स्क्वायर ब्लू बॉक्स सेकेंड ऑप्शन को टिक करो सेकेंड ऑप्शन को टिक करो सभी लोग स्क्वायर ब्लू बॉक्स देयर आर मेनी टॉल ग्रीन ग्रास टिक ऑन टॉल ग्रीन ट्रीज इन द फॉरेस्ट टॉल ग्रीन ट्रीज इन द फॉरेस्ट सरोज पुट द बॉक्सेस इन अ ओवर सरोज पुट द बॉक्सेस इन अ big red truck tick on big red truck big red truck big red truck Sek, pehla wala option ko karna hai fourth mein pehla wala option ko tick karna hai last one I had a slice of I had a slice of oval green watermelon. Oval green. Second option को टिक करो यहाँ पे. Second option को सभी लोग टिक करो. Come to page number 69, everyone. Come to page number 69. Fill in the blanks with be or they in these sentences. After the thieves robbed the house, we ran away. We. After the thieves robbed the house, they ran away. Write a T-H-E-Y. They. T-H-E-Y. They. I am very excited because we are going to picnic. W-E-B. Bats do not come out during the daytime because they cannot see very well. My mother told me that during the summer holiday, we will visit zoo. Pehla wala day hoga, T-H-E-Y day. Dusra B. Third one day and fourth one B. Those who have completed, come to page number 71. Jiska ho gaya, come to page number 71. Ma'am? Yes, Krishna?
थर्ड और फोर्थ में क्या होगा? थर्ड इट इज दे एंड फोर्थ वन इज वी. Okay, come to page number 71, everyone. You have to tick here, just tick it, na? Complete the paragraph with the correct word. One, day. Write here, day. One day, write here, day. D-A-Y, day. One day. Mullah Nasruddin was lying in his bed, bed, with his eyes closed. Eyes. A neighbor came into the Mullah's house. Are you sleeping? Sleeping. Why? What do you want? W-A-N-T, want. The Mullah asked. I want to borrow, B-O-R-R-O-W, borrow some money from you, the neighbor replied. In that case, I am fast asleep. हो गया सबका ये बुक में? Yes, ma'am. सभी का हो गया? सभी ने लिख लिया? त्रिशा हो गया आपका? प्रगति? प्रगति एंड त्रिशा हो गया आपका? मैम मेरा हो गया. ओके. सानिया हो गया? सानिया रिटेन? ओके, टेक आउट योर इंग्लिश कॉपी एवरीवन. इंग्लिश की कॉपी निकालो सभी लोग. इंग्लिश की? हाँ, इंग्लिश की. Put the date.
डे मंडे पुट द चैप्टर नंबर चैप्टर एट differences on the P. ओके स्टूडेंट्स टाइम इज अप है ना, वीडियो देख के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर रहे ना सभी लोग. ओके ओके थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे अहेड.